इन लोगों को है कि पूरे देश में कब्जा कर लेना, हर जगह जो है भाजपा की सरकार को बना देना है, ऐसे ही नहीं तो वैसे। अब क्या कहिएगा, सब पे क्या कहना है, क्या दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या करने का प्रयास किया जा रहा है, ये सब लोग हम लोग समझ रहे हैं। पूरी तरीके से ये प्लांट है, आगे भी हो और इसकी तहकीकात जो है वो की जा रही है। गांधी जी को महात्मा गांधी बनाने का काम किया और ये धरती महात्मा बुद्ध की धरती है, वीर कुंवर सिंह जी की धरती है, सूफी संत मखदूम जी की धरती रही है, कर्पूरी जी की धरती है, लालू जी नीतीश जी की धरती है, कभी भी दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। गंभीर है और जिन लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट था दंगा को भड़काने में, उन सबको चिन्हित करके सैकड़ों के तादाद में पकड़ा जाता है और कठोर से कठोर जो है कार्रवाई जो है सरकार करेगी। सरकार रहे ना रहे, सद्भावना अमन चैन वो कायम रहेगा। और हम सब लोग देख रहे हैं कि बिहार को लगातार टारगेट किया जा रहा है, पहले तमिलनाडु के लोगों से लड़ाने का प्रयास किया गया, उसमें असफलता ये लोग पाए तो अब जो है दंगा फसाद। जो पाक महीना है, एक पवित्र महीना चल रहा है, सब लोगों का त्यौहार चल रहा था, उसमें अशांति फैलाना, हिंसा फैलाना, ये कतई हम लोग जो है बर्दाश्त नहीं कर रहे। साजिश की बात की जा रही है, बिहार है, बिहार पे जो लोग अगर बुरी नज़र से देखेगा बिहार के लोग, उसको उल्टा से सीधा करते हैं। कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ लोग गुजरात से आए हैं, बातें बना रहे हैं, किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जहाँ जाना है वहीं दंगा हो रहा है, कौन नहीं समझ रहा है। और उन लोगों को हम बताना चाहेंगे कि यही बिहार की धरती है जो गांधी जी को महात्मा गांधी बनाने का काम किया, और ये धरती महात्मा बुद्ध की धरती है, वीर कुंवर सिंह जी की धरती है, सूफी संत मखदूम जी की धरती रही है, कर्पूरी जी की धरती है, लालू जी नीतीश जी की धरती है, कभी भी दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार हमेशा से अमन चैन को पसंद करता आया है, जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं उनको सरकार का कठोर दंड देगी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें जो फेडरल हमारा स्ट्रक्चर जो है, तो सरकार होती है, सरकार से वार्तालाप करनी चाहिए, लेकिन अब क्या कहिएगा, सब पे क्या कहना है, क्या दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या करने का प्रयास किया जा रहा है, ये सब लोग हम लोग समझ रहे हैं। इस बार भी जो था ये साजिश था, या इस बार भी जो हुआ है ये साजिश था, सोची समझी साजिश, पूरा साजिश ये करवाया गया है, पूरी तरीके से ये प्लांट है, आगे भी हो और इसकी तहकीकात जो है वो की जा रही है। दोषियों पर माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी भी बात हुई थी जब ये घटना हुई, जिस दिन DGP साहब से बात हुई, लगातार हम लोग जो है फॉलो अप कर रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पे आप लोगों को भी बता दिया कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। मतलब है इन लोगों को है कि पूरे देश में कब्जा कर लेना, हर जगह जो है भाजपा की सरकार को बना देना है, ऐसे ही नहीं तो वैसे, उल्टा नहीं तो सीधा, कानूनी नहीं तो गैर कानूनी, संवैधानिक नहीं तो असंवैधानिक, पैसे से नहीं तो खरीद।